नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कलयुग की सबसे बड़ी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले है, बड़ा चमत्कार आप सभी के किस्मत में होने वाले है। जी हाँ दोस्तों, पूरे जीवन में आज तक ऐसी घटना आपने नहीं देखी होगी और न ही कभी सुनी होगी, जो दोस्तों अब आपकी किस्मत में होने वाले है। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अब आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी चमकने वाली है, क्योंकि दोस्तों चमत्कार ही कुछ इस प्रकार आप सभी के जीवन में हो चुका है। घटना ही कुछ इस प्रकार यह अद्भुत बड़ी दिव्य शक्ति कर दिया है कि दोस्तों आप जब सुनेंगे तो दोस्तों आप एकदम खुशी से झूम उठेंगे। खुशी के मारे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जो यह देवी आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में, यह देवी का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। अब यह देवी आपकी विनती को सुन लिया, अब आपके दुख दर्द को जान लिया, अब आपने जितने भी कष्ट परेशानियों से गुजरी थी, दुश्मन आपको जितना ही सताया था, तो दोस्तों अब उनसे भी दोगुना फल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम मिस न करें और एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें। सारा काम धाम छोड़कर सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आज की इस चमत्कारी वीडियो को देख लें, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता, ऐसा चमत्कार बार बार नहीं होता जाता कि ऐसे ग्रह कुंडली में योग बार बार नहीं बनता जो यह देवी आपकी कुंडली में कर चुका है। अब दोस्तों रातों रात मालामाल बनने वाली हो, आपके घर खुशियों का ढोल बजाने वाला है। तो दोस्तों जो आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा महा बेवकूफ होगा। तो दोस्तों जो यह ज्ञान को एक बार ले लेगा, जान जाएगा भगवान के इन संकट को, समझ लेगा दोस्तों उनका जीवन बदलने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शांत होकर देखना, साथ ही साथ दोस्तों माता रानी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय महाकाल जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखते। दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर माता रानी आपको ऐसी खुशखबरी देंगे जिससे कि आपका किस्मत ही बदल जाएगा। हाँ दोस्तों, अब आपके घर कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली है जिन्हें दोस्तों आप कह सकते हैं कि शुभ घटनाएं होने वाली है, और यह घटना आपकी जिंदगी 100% बदल कर रख देगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस विषय पर हम आपको ध्यान देने जा रहे हैं वह आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेतक जिनको जाने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है या फिर आपकी भगवान ने हर एक करुण पुकार को सुन लिया है। हर एक इंसान इस संसार में किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा तो करता ही है, और उसके मन में कहीं न कहीं यह एक बार अवश्य ही लगी रहती है कि क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रही है, क्या उसके द्वारा की गई भक्ति भगवान को प्रसन्न कर पानी में सा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, उसकी हर एक पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि कहीं भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है, यदि रह गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा, यह दोस्तों आप लोगों के मन में घूमते रहते हैं। तो आज हम आपके प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। तो तू आज हम जो संगीत आपको बताएंगे, यह संकेत पूरी तरह से शास्त्रों से लिए गए हैं, वैदिक परंपरा पर आधारित है। प्राचीन काल में हमारे आशय मुनियों ने कई प्रकार की साधनाएं, खोजबीन, शोध और अध्ययन के बाद कई प्रकार की विशेष जानकारियां अलग अलग ग्रंथों में लेकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब जरूरत है हम उन ग्रंथों को पढ़ें और जीवन उपयोगी जानकारी को बाहर निकालें। लेकिन दोष हर एक इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत कठिन कार्य है, पूरा इस कार्य में लग जाता है। तो ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हम और हमारी पूरी टीम इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं।
निकालते रहते हैं और आपके लिए हम वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझें और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 में से यदि 3 संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं तो आप प्रसन्न हो जाएं, और यदि आप 1 या 2 संकेत ही प्राप्त हो रहे हैं तो अभी लंबा सफर तय करना है। कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएं कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, यदि 5 संकेत आप मिल चुके हैं तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेष शक्तियां। कौन सी है? बुद्धू शक्तियां, जो भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले, या फिर आपको वह मिल भी चुकी होंगी लेकिन आप उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं है। दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो भी हर ही रोचक है। 2 और आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए हैं। अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम यह भी मान लेंगे कि माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लेश मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होती है, तभी तो हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला पाए, तो हमारी भक्ति निष्फल हो जाएगी, इसी कार्य की नहीं रहेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, आप अपने हृदय की गहराइयों से आपसी कहते हैं कि जो भी कार्य, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, डिस्टर्ब उचित माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की और आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं। बिना माइक यदि के इस दास की तो कितनी भी हैसियत नहीं कि वह 2 शब्द बोल सके। बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान होते हैं, और हम जैसे तुच्छ दास की तो हैसियत ही क्या है। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हमारा हृदय से निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जय महाकाली कृपा करो अवश्य लिखना, 1 बार नहीं 3 बार लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब का। इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर हर एक इंसान है एक माध्यम से एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है, यूं कहें कि एक दूसरे के समान है, और वह माध्यम है भगवान। शायद ही ऐसा कोई इंसान इस संसार में होगा जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति न करता है। अब यहाँ पर लोगों की भावना से ही अलग अलग होते हैं,
कुछ बड़ी ही गहराई के साथ भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रही है, धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ ना कुछ संग से रखते हैं, शौक रखते हैं। तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को फ्री है, लेकिन दोस्तों इनमें एक प्रकार के और भी होते हैं जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। मीशा भगवान के मंदिर जाते हैं तो किसी न किसी लालच को लेकर चली जाती है, कोई न कोई अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहती है। भगवान को साधन समझते हैं और हमेशा इस प्रकार की मनोकामनाएं करती है कि आप हमारा यह कार्य करवा दीजिए तो हम एक से क्या 104 का प्रसाद चढ़ाएंगे, 501 का प्रसाद चढ़ाएं। उल्टी सीधी मांग भगवान के सामने कहते खड़े दिखाई देते हैं और फिर जब उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार कार्य करती ही नहीं है, अन्यथा तो भगवान और एक व्यापारी में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। भगवान तो भाव से जुड़ते हैं, भाव से ही चलते हैं। जब ऐसे में उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर भी भगवान को अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं, अधर्मी हो जाते हैं, अपने धर्म को ही अनाप शनाप अनर्गल बातें कहकर बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया है। दोस्तों ऐसे राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं। यदि आपके आसपास में कोई ऐसा झूठ और राक्षस रहता है तो आप उसे अपनी दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनका उनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन की छाया पड़ने से, इनकी संग में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी चादर ओढ़ली है सफेद है और उसे सबसे जल्दी महिला किया जा सकता है। जो पहले से ही मिट्टी से कीचड़ से ढके हुए हैं, उन्हें कोई क्या करेगा। लेकिन आप इतनी चादर वाली हैं, आप इनकी नजदीक जाएंगे, आप चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मैली हो जाएंगे, तो आप इनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दोस्तों यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बेहद ही पवित्र, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा होगा दोस्तों कि भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी कैसे करवाएं, क्योंकि इंसान की कहीं न कहीं इच्छा तो होती ही है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके पूरी करवाना चाहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना कैसे पूरी करवाई जाती है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन इस विषय को उठाने से पहले हम आपको मूल विषय की ओर ले चलते हैं कि कौन से 5 बड़े संकेत है जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल है, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह दोस्तों ग्रह नक्षत्र टोना टोटका उपाय, काली क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विधि से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि शुद्ध भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी हो। या दोस्तों हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दिल्ली दूर के अंदर इतना बड़ा किया कि वे पूरे समुद्र को ही पार कर गए, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्द ही गए अचरज नाही, तो फिर आपके लिए तो कोई समुन्दर पार नहीं कर रहा है। छोटी छोटी परेशानी के समाधान निकालने कौन सी बड़ी बात है, तो आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, माँ काली की गति, या फिर भोलेनाथ की, यह प्रभु श्री राम की किसी भी रूप या पूजा करती हो, पहला संकेत यह है कि अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे और आपकी आंखों से आंसू चले लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, है आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगेंगे। अनायास ही ऐसा होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी सनसनी का भाव उत्पन्न होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आसपास का माहौल अचानक से परिवर्तित होने लगा है।
हालांकि दोस्तों ये कभी कभार ही होगा और अचानक से ही होगा और कुछ समय तक चलने के बाद यह भाव समाप्त भी हो जाएगा। यह दोस्तों यह एक ऐसा भाव है जो आपके अंदर उत्पन्न नहीं होता है जब आपकी आप में ऊर्जा उस परमात्मा से यानी कि परम परम ब्रह्म से जुड़ जाती है और जब उसे सच्चाई का एहसास होता है वह ऊर्जा का एक भाग है तो वह उत्तेजित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से आप इस स्थूल शरीर में कुछ इसके संकेत दिखाई देते हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, एक सनसनी का एहसास आपको होने लगेगा, आसपास की आवाज आपको सुनाई देनी बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगे और आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह संकेत भी महसूस हुआ है या नहीं, लेकिन सौ बात यही है यह आपको महसूस होगा जब आप बहुत गहराई से भगवान से जुड़ जाएं। दोस्तों भर्ती की सीमाएं जब आप जाएं। सुनिए दूसरा संकेत है, यह भी बहुत ही गहरा और प्रबल संकेत है, ध्यान से सुनना। दोस्तों मान लीजिए कि आप पूजा करने बैठे और आप माला फेरते हैं या फिर चालीसा पाठ करते हैं या फिर कोई स्थिति गायन करते हैं और अचानक से आपकी आंखें हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और आंखें बंद होने के बाद आप सुध-बुध भूल जाते हैं, माला है तो हाथ से छूट जाती है, किताब को ही ले रखी है तो वह भी हाथ से छू जाती है और आप कुछ ही सेकंड के लिए मिनट के लिए एक ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको कोई एहसास ही नहीं होता। फिर अचानक से आप एक झटके से पूछ कर खड़े होते हैं और देखते हैं कि आपके हाथ से माला छूट चुकी है, किताब ही गिर गई है और आप जॉब कर रही थी वह भी आप भूल चुके हैं कि आपने कितना जाकर लिया, किया भी है कि नहीं किया, कहीं आप तो नहीं गए, यानी कि एक अजीब सी स्थिति में आपने डुबकी लगाई और फिर अचानक से आप बाहर आ गया। अब यह क्या है दोस्तों, इसे आप समझ ही, हमारा आध्यात्मिक हमारे वीर क्या कहते हैं इस विषय में। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, वैदिक परंपरा में इसी तरह कहा जाता है, निंद्रा और तंद्रा लगभग समान ही होती है, लेकिन निंद्रा में इंसान अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए जाता है और निश्चित समय के लिए जाएं, लेकिन तंत्र एक समाधि की अवस्था जैसी होती है जिसमें कि इंसान उस परम पूजा में डूब जाता है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि हमारे वेदों में हमारे पुराणों में हर जगह स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि यह संसार है एक माया मात्र है, इस संसार का असल स्वरूप वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें प्रतीत होता है, यह सब तो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी है जो हमें तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराती है और माया की रंग बिरंगे खेल हमें दिखाती है, लेकिन यह संसार असल में परम पूजा में लबालब डूबा हुआ है, पूरी तरह से सराबोर है और वह परम पूजा है ईश्वर कि यानी भ्रम की हो जाए तो आप कुछ समय के लिए उस पर हम ऊर्जा में डूब जाएंगे और इस माया से मुक्त हो जाएंगे और वही स्थिति होती है तंद्रा की स्थिति। आप हमें बताना कमेंट करके दोस्तों कि क्या आप कभी पूजा पाठ करते समय भक्ति में लीन होते समय तंद्रा का एहसास हुआ है। अब एक अजीब बात दोस्तों हम आपको बताएं कि कई महान संतों ने साधकों ने तंद्रा की इस भाव को इतनी गहराई तक ग्रहण कर लिया कि भी कई घंटों तक और कई दिनों तक इसी भाव में डूबे रहे, जैसे कि परमहंस रामकृष्ण जी इस भाव में 8 दिनों तक बैठे रहे, भगवान खुद भी इसी भाव में 8 तक बैठे रहे और स्वामी विवेकानंद भी पूरे 24 घंटे के लिए इसी तरह के भाव में डूबे रहे। और जब ये लोग इस भाव से उठकर बाहर आए, इस संसार में माया रूपी संसार में वापस आए, तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इन्होंने इतना लंबा समय इस तरह के भाव में बिताया था, लेकिन उस समय इन्हें ईश्वर से आकर्षण और परम जुड़ाव का एहसास पता चल गया। आपके साथ ये हुआ है कि नहीं हमें बताना, भले ही कुछ मिनट 10 सेकंड के लिए ही क्यों न हुआ है, लेकिन यह तो परम एहसास है दोस्तों। आप जरा सा भी हो गया है तो कल पड़ेगा और आप उस परम ऊर्जा में विलीन होने के लिए तैयार है यह मानकर चलिए, तो आप हमें बताना आपके साथ हुआ है, कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, सब कुछ बताना दोस्तों, हमें बड़ी उत्सुकता रहेगी।
अब बात करते हैं तीसरे संगीत की। दोस्तों इस संगीत का नाम है स्थित प्रज्ञ। दोस्तों मैं अभी से आप समझिए, गहराई से जब आप भगवान से जुड़ चुके हैं, आपकी आस्था बहुत गहरी है, मन में बहुत गहरे भाव और विश्वास है ईश्वर के लिए, तो अब आपकी मनोदशा दोस्तों, अब आपके जीवन में क्या चल रहा है, कि स्थान है, उठापटक है, जीवन में भागदौड़ है, कुछ बन गया कुछ बिगड़ गया, सब आपके आसपास होता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। यह दोष यानी कहने का मतलब यह है कि परेशानियों से आप विचलित नहीं होंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा, और आएगा है तो आप बड़ी जल्दी संभाल लेंगे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपके अंदर ही खड़ी दृढ़ता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहने लगे कि आपने भी हो जाएंगे, फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि चलो देखते है जो भी होगा देखा जाएगा, यानी कि ऐसा भाव उत्पन्न होगा जो कि आपको लीडर बना देगा, और यह भाव इसीलिए उत्पन्न होगा क्योंकि आपकी अंतरात्मा यह बात समझ चुकी है कि जो भी सुख और दुख आपको मिलेगी बल्कि इस संसार के लिए है, इस शरीर मात्र को मिलेंगे, आपकी आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता, वह तो परम है और उस पर हम पूजा के लिए ही बनी है, उसी से निकली है, उसी में लिप्त हो जाएगी, उसी में समाहित हो जाए, यह भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको स्पष्ट तौर पर भले ही पता ना चले, लेकिन आपको यह संकेत मिलेंगे, ऐसा भाव रहेगा कि आप निडर हो जाएंगे, आप आए नहीं लगेगा, आपको किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, चिंता थकान तनाव कुछ भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, यानी कि आप स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे, यानी आप केवल देखेंगे जो आपके आसपास हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, आपकी दृष्टा मात्र बन जाएंगे, फिर आपका उसे कोई लेना देना नहीं है, है हालांकि आप कम करेंगे अपने जी को, झींगे हर एक घटना में आप पूरी तरह से शामिल रहेंगे, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा, इसी स्थिति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ हो जाना, या यूं कहें कि दृष्टा का भाव उत्पन्न हो जाना। अब बात करती है चौथी संगीत की। इस चौधरी संकेत में आपको कई बार एहसास हम कराया है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया है, यह दोस्तों जैसे कि आपने कुछ सोचा, आपने सोचा कि इस इंसान से आदमी लेते तो अच्छा होता, लेकिन वह इंसान आपसे मिल नहीं पा रहा है, लेकिन अचानक ही आप देखते हैं तो वह इंसान आपके सामने आ जाता है, यानी कि कोई ऐसी बात जो आपके मन को पर ईशान कर रही है, और आप चाहते हैं कि वह हो जाए, वह घटना घटित हो जाए, लेकिन फिलहाल में घटित होने वाली नहीं थी, अचानक ही क्या है कि वह घटना घटित हो जाती है और उसमें आपका लाभ है। या दोस्तों ऐसी स्थिति तब बनती है जब आप भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाती है, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाती है, ऐसे में यह होगा कि आप जो सोचेंगे भी घटनाएं भी करने लगेंगे, जो आप चाहेंगे वह घटना आपके हित में करने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या एक दोस्त और बड़ी समस्या यह है कि यदि आप नकारात्मक बातें सोचेंगे तो वह भी घर जाया करे। यह दोस्तों जैसे कि आपने सोचा कि थोड़ा संभल कर चलते, कहीं गिर न जाए, तो आप देखेंगे कि अचानक गिर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हम आपको बताएं, हमारे जाने वाली एक मित्र है, उनके अंदर भी यह भाव उत्पन्न हो चुका था, तो उन्होंने एक बार एक अच्छी अंगूठी कहीं से प्राप्त, यानी किसी ने उनको दिया, उन्होंने बनवाई, हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमको बताया कि यह अंगूठी उन्हें मिली, तो उन्होंने उसे पहन लिया। फिर उनके मन में अचानक यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा न हो कि इसमें लगा हुआ रत्न गिर जाए। या दोस्तों और यही हुआ, हुआ कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उनकी अंगूठी से वह घटना अचानक गिर गया, कहीं ऐसा गिरा कि उन्हें फिर मिला ही नहीं। तो यह आपके साथ होगा, यदि हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना। यह स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक भी है, आपके विपक्ष में भी कार्य कर सकती है, क्योंकि अब ऐसे में आपको बड़े ही संभल कर रहना होगा, हर एक बात को सकारात्मक तरीके से सोचना होगा, सकारात्मक बातें ही बोल रही होगी, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बातें, सूची गई बात सच होने लगे। अब हर बार चाहे भले ही ऐसा ना हो, लेकिन 10 में से 5 बातें ऐसी होगी जो सत्य साबित हो जाएगा।
यह। दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताना और थोड़ा संभल कर रहना। ऐसे में बस को चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहें, हर बात को सकारात्मक तौर पर ही सोच। अच्छी बातें सोचे गलत बात है, आप सोचे हिना मुंह से गलत बात निकाले हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पांचवा संकेत जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में यह घटना घटी है कि नहीं घटी है, पहले जीवन में कभी मिले तक नहीं है, उन्हें आप भगवान का भेजा हुआ दूत कह सकते हैं, मददगार कह सकते हैं, और इस बात की तो केवल माई है और कोई नहीं, उसे ही पालनहार है, रक्षण करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों कभी कभी तो और भी आश्चर्यजनक घटना घटेगी कि आपके शत्रु आपकी मददगार बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अनजाने में ही सही लेकिन दिया मदद करेंगे। आपको भरोसा ही नहीं होगा यह इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह आपकी मदद करेगा, आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा। सब कुछ भगवान के द्वारा संचालित है इस संसार में, उस पर हम जस्सी ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, तो किसी की बुद्धि का फेर कर देना कौन सी बड़ी बात है, एक चुटकी बजाते ही नहीं, जैसी और भगवान के लिए तो छूट न बजाए, तभी यह संभव है। दोस्तों को तो ये तो दीपा संकेत जो हमने आपको बताया, अब कुछ छोटे छोटे संकेतों और भी मिलेंगे। दोस्तों जैसे अचानक ही दिन में किसी भी समय आप सुर मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती है, कोई भजन भगवान का नाम आपको सुमिरन करता हुआ सुनाई दे सकता है, या फिर आपके दिन में अचानक किसी भी वक्त रोग से खड़ी होने लगेंगे, या दोस्तों अचानक ही आप प्रभु के नाम का स्मरण करने लगेगी, कोई भजन गाने लगी, अचानक ही एक धोनी सी रमाने लगेंगे, किसी भी वक्त दोस्तों आपने दिन देखेंगे, नारा देखेंगे, कभी भी आपके अंदर रोजा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप यहाँ हमेशा सूर्योदय लगेगी, कभी के ऐसा हो शायद कि आपकी आँख न खुलें, लेकिन सर ऐसा होगा, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम ध्यान करने के बाद आप भगवान मिली होना चाहेंगे, भगवान की तरह से का अजीब सा आकर्षण महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे, आपके पैर अपने आप ही उस रास्ते पर चल देंगे जहाँ भगवान का घर है, यानी कि मंदिर है, और आप अचानक ही भगवान के मंदिर में खड़े दिखाई देंगे, दर्शन करते दिखाई देंगे, फिर भी आप अनायास अचानक ही भगवान के मंदिर पहुँच जाएंगे। तो यह भी छोटे छोटे से संकेत है, इनसे भी भगवान आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न है, यह जाहिर होने लगता है। अब आप हमें बताना कि आपको कौन कौन से संघ के दिन में मिले हैं। तो अब बात कर दी है दोस्तों है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कम संकेत मिल रहे हैं, यह कोई संगीत मिला ही नहीं है, है तो ऐसा नहीं है, है कि भगवान आपसे रुष्ट है, बस आपसे उनकी ऊर्जा जुड़ नहीं पाए। दोस्तों तो आपको क्या करना है, दोस्तों कभी भी भगवान के मंदिर में जाकर यह बात बोली, आप हमारा यह काम करवा दी है, हमारी नौकरी लगवा देंगे तो हम आपको RSS फाइजर का 1000 रुपए का या के लिए गए वह करवाएंगे, घंटा करवाएंगे, छात्र चलाएंगे, ये सहमत हुए। दोस्तों ये सब भूलकर आप अपना ही मान मर्दन कर रहे हैं, बस सीधे मंदिर चाहिए, कुछ लेना है तो लोग, नहीं लेना है तो मत करो, बस भाव के साथ चाहिए और भगवान के सामने बैठ जाइए और भगवान से निवेदन करेंगे, भगवान से जुड़ जाइए, भगवान को अपने घर का सदस्य बनिए, चाहे पिता समझे, चाहे भाई समझिए, चाहे मित्र समझिए, कोई एक संबंध भगवान के साथ जोड़ लीजिए, और बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपनी सबसे प्रिय जो आपका शुभचिंतक है उसे अपने जीवन का दर्द सुनाते हैं, वैसे ही भगवान को अपने जीवन का दर्द सुनाइए और आप देखें कि भगवान आपकी कैसे जुटी है। दोस्तों याद है ना आपको सुदामा का चरित्र, सुदामा ने कौन सा प्रसाद चढ़ाया था भगवान को, सुदामा ने कौन सी अगरबत्ती लगाई थी, कौन सा हवन किया था, कुछ भी नहीं। दोस्तों रामा का भाव कृष्ण से जुड़ा हुआ था और कृष्ण सुदामा के लिए दौड़े चले आएंगे, पैर भाग के चले आए राजमहल में और सुदामा के लिए दरवाजे तक आए और अपने शुरू से सुदामा की चरण कमल को धोया। दोस्तों आप समझ गए भगवान भाव के भूखे हैं,
हम उन्हें कुछ दे ही नहीं सकते हैं, हमारी हैसियत ही नहीं, औकात ही नहीं कि हम उन्हें कुछ दे सकें। हम केवल उन्हें एक चीज दे सकती है, वह है हमारा शुद्ध भाव। या दोस्तों, अब आप प्रसाद लेकर जाते हैं तो वह तो एक परंपरा है, आप अपने भाव को मजबूत करने के लिए प्रसाद ले जाएंगे। धूप चलाइए चलाइए, जो मन है वह करें। लेकिन पूजा बिल्कुल एक मुर्दा शरीर के समान होती है, आपको भाव जगाना पड़ेगा। जब भी आप तकलीफ में हो, भगवान को कहिए, भगवान अब आप ही देख लेना, कोई कार्य कठिन आ जाता है, भगवान अब आप ही देख लेना, हम तो बस लगे हैं, काम कर रहे हैं। जब भी कोई अच्छा समय आए, खुशी मिले, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल समझा। तो हर बात के लिए भगवान से जुड़ी, हर बात के लिए भगवान को अपने जीवन में लाइए, उन्हें याद करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन भगवान स्वयं संचालित करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आप अपने जीवन को ऐसे जीवो जैसे या भक्ति कर रहे हैं। भगवान से जुड़ जाइए, कोई भी कार्य भगवान को बिना याद किए न तो शुरू करो और न ही खत्म कर। दोस्तों, फिर देखो कि भगवान इस प्रकार का है, देती है और वह आपका कार्य स्वयं पूजा बन जाएगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तथा फैसला तुरंत ले और उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। अगर आप छात्र हैं, जो बदलाव आपकी कुंडली में होते हैं वही आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। हम ये सारी बातें पहले आपके लिए समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद आपको सुनाते हैं। झूठी बातें फैलाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए हम चाहेंगे कि आप हमारी बातों को पूरे धैर्य के साथ देखें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो भी दिखेगा, क्योंकि दोस्तों ज्ञान की बातें विस्तार के साथ बताई जाती है, तभी समझ जाती है। और जब आप ज्ञान को अच्छे से समझेंगे तभी तो आप उसे सही से उपयोग कर पाएंगे और हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों कमेंट में भक्ति भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। याद रखिएगा, जिनके साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोस्तों आपके जीवन के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में हो रही है जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे। जैसे दोस्तों आप काफी मेहनत कर काफी प्रयास कर दिन रात एक कर पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन आपके आस-पास जो आपके गुप्त शत्रु घूम रहे हैं, जिनका आपको पता नहीं लग रहा, वे शत्रु कैसे न कैसे आपका खर्च बढ़ा देते हैं, आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं उड़वा देते हैं। जिसके कारण दोस्तों क्या होता है कि आप बचत नहीं कर पाते, भविष्य के लिए पैसा बचा नहीं पाते और आप दोस्तों दलदल में फंसे जा रहे हो। हमारी बात को गौर से समझने की कोशिश करेगा। पैसा कमाना आसान है दोस्तों, लेकिन उसे बचा पाना बहुत कठिन है और आपको यही कार्य करना होगा। शादी दोस्तों परिवार के लोगों के साथ आप थोड़ा दल मिलकर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप बाहर के लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके साथ सारी बातें करते हैं, अपने सारे राज्यों ने बता देते हैं, हमने जीवन से जुड़ी एक एक बात उन्हें बता देते हैं, लेकिन आप परिवार के लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते। यही कारण दोष तो कि आप धीरे धीरे कर अपनों से दूर होते जा रहे हैं। आप ऐसी गलती मत करिए, परिवार वालों के साथ बैठी थी उनके साथ ज्यादा नहीं तो कम से कम एक समय का भाजन उनके साथ करिए। इससे क्या होगा, क्या परिवार वालों की भावनाओं को समझ सकेंगे, आप उनकी बातों को समझ सकेंगे। साथ ही दोस्तों मौज मस्ती करने का कोई भी मौका अपने हाथों से जाने मत दीजिए। देखें आज कैसे वर्तमान समय में हर मनुष्य अपनी जिम्मेदारियां को लेकर बहुत परेशान है, सबके ऊपर कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन जरूर है। ऐसे में यदि आपको कहीं खुश होने का, मौज मस्ती करने का एक पल के लिए भी कोई मौका मिल रहा है तो उसे मौके को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। क्या पता आगे फिर दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले। दोस्तों आज आप अपने विचारों को दूसरों पर न हो बल्कि दूसरों के विचारों की तारीफ करें और इच्छाओं का ध्यान रखें। आपका दोस्ताना और सहनशील रवैया सबका दिल जीत लेगा।
अपने प्यार का इजहार करना है तो यह समय सोने का नहीं बल्कि आगे बढ़कर इजहार करने का है। जो पहले से रिश्ते में है वहीं से मजबूत करने के बारे में सोच अपने रिश्ते को लेकर आज आप स्वयं को भाग्यशाली मानेंगे। अपने साथी को प्रभावित करने के लिए आप कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही उन्हें पसंद है, बस आप उन पर भरोसा करें। अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम बन सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप पूरे मन से उसे प्यार करेंगे और कुछ बुरा होगा तो उसे भी सहन कर लेंगे। जो सिंगल हैं, उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। आप किसी बात पर जीवन साथी के साथ अनबन कर से करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद में ही सलाह हो सकती है, जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। अविवाहित जातकों की बात करें तो उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपका रिश्ता पक्का हो सकता है और आपके परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। अपने पति पत्नी का दिल जीतने में कोई कसर न छोड़ दें, इसके लिए उन्हें उपहार दें या लॉन्ग ड्राइव पर जाइए। आज आप बच्चों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखेंगे। व्यस्त रहने के कारण आप अपने साथी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भी आपकी रोमांटिक जिंदगी बेहद शांतिपूर्ण है क्योंकि आपका पार्टनर समझदार और सहायक है। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की दिक्कतों को समझें, उन पर लड़ाई करने से बच्चे अपनी वाणी पर संयम रखें। कठिन समय में आपकी लाइफ पार्टनर आपके साथ खड़े रहे और आप उनके साथ इस बात का ख्याल हमेशा रखें और कलात्मक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। दोस्तों का साथ मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है, हालांकि गृह क्लेश की वजह से आपकी भावनाएं आहत हो सकती है। बुद्धि व साहस का प्रयोग करते हुए आप तनाव गहरा विवादों को कम करने के प्रयास में लगता रहेंगे। कार्यालय में सहकर्मियों और अधिकारियों से सावधानी बढ़ाते धार्मिक कार्यकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर पर पूजा पाठ का आयोजन भी होगा। आप ईमानदारी से अपना काम निभाएंगे। आपके निजी संबंधों में सुधार व मधुरता की नई आशाएं प्रबल होती रहेगी। सभी काम मन मुताबिक पूरा हो जाएगा। परिवार में किसी सदस्य से चल रही अनबन आज खत्म हो जाएगी। किसी नए काम को शुरू करने में अपनों का साथ मिलेगा, साथ ही आर्थिक मदद भी मिल सकती है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन लेगा। आपको आज अपने धैर्य और दृढ़ता के साथ बने रहना होगा। आज आप अपने साथी के दोस्तों से जलन महसूस करें और ना ही साथ ही कोई ऐसा कोई मौका दे और विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।